दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एएमयू में क्लास 11 एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर, और इंडो इस्लामिक कल्चर में जाकिर हुसैन साहब का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जाकिर हुसैन साहब को देश भी मानता है, एएमयू और जामिया दोनों मानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बिल्कुल हाल में शेयर किया है। फरवरी का महीना चल रहा है और इस फरवरी में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की पैदाइशी हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की 125वीं जयंती मनाई गई है उनके मकबरा पे। अब सवाल यह आता है कि इनका मकबरा कहां है, तो आपको यह पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का यह ट्वीट है, और इस ट्वीट में लिखा गया है कि जामिया ऑफिशियल्स ने मनाई डॉक्टर जाकिर हुसैन की 125वीं जयंती। तो जाहिर सी बात है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का मकबरा है, यानी उनका कब्र है, उनको यहीं पर दफनाया गया है। बिल्कुल यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, भारत के किसने तीसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न से नवाजित किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। एकदम नागरिक के लिए सबसे बेस्ट अवार्ड है, सबसे आला दर्जा का, सबसे उत्तम अवार्ड है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। तो 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उसके 6 साल बाद 63 में इनको भारत रत्न मिला और 6 साल के बाद 1969 में इनका इंतकाल हो गया। तो इनका जन्म और इंतकाल ये इंपॉर्टेंट है। तो 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1900 में नहीं 1900 में 3 घटा दीजिए तो 1997 में इनका जन्म हुआ था, इंतकाल इनका 1969 में हो गया। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे और राजनीतिक भी थे। तो राजनीति में भी थे, शिक्षा में भी थे, इकोनॉमी में भी थे और फ्रीडम फाइटर में भी शामिल थे। तो ये क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किस पैरामीटर में आते थे, तो ये फ्रीडम फाइटर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे और पॉलिटिशियंस भी थे। महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, महात्मा गांधी जी जो भी आंदोलन छेड़ते थे उनमें ये शामिल होते थे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। महात्मा गांधी के बुनियादी तालीम की संकल्पना के पुरजोर समर्थक थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि फाउंडेशन में बच्चों को तालीम दिया जाए, उसमें ये बिल्कुल उनको समर्थक करते थे। उनकी अध्यक्षता में, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था वर्धा बुनियादी शिक्षा स्कीम्स, यानी बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन का स्कीम बना था, उसमें ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये 8 फरवरी के दिन, जब हाल ही में इनका 125वीं जयंती थी, उसमें ये शेयर किया गया था। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 16 घंटे पहले ट्वीट करके ये मैसेज दिया अपने देश को कि इनके मकबरे पर हमने 125वीं जयंती मना ली, क्योंकि ये भारत रत्न भी थे और राष्ट्रपति भी हैं अपने देश के। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के इनके बच्चे उच्चे हैं, इनके बच्चे बेटी अभी हाल फिलहाल में इंतकाल हुई, वो बहुत बुरी हो गई थी, तो जामिया में आया करती थी। इनका घर भी, पूरा परिवार भी जामिया के तिकोना पार्क के आसपास है। तो इनके बारे में क्वेश्चंस इंडो इस्लामिक कल्चर में क्लास 11 डिप्लोमा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी 11 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, हम इस चैनल पे भी और अपने क्लासेस एप्लीकेशंस में तैयारी करवाते हैं। TVIT क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, पिछले साल हमने तैयारी करवाया था, बहुत सारे बच्चों का फायदा हुआ था। इस साल भी अगर आपको तैयारी करना है तो TVIT क्लासेस एप्लीकेशंस पे जाके तैयारी कीजिए। उस पे टेस्ट सीरीज है, उस पे आपको डिटेल हर 10 साल के क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हजार हजार का क्वेश्चंस बैंक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस है। आपको ये नहीं कि ABCD याद रखना है, बिल्कुल समझ के कॉम्पिटिशन निकालना है। तो दोस्तों आपको तैयारी करना है तो TVIT क्लासेस ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी जरूरत की वीडियो नहीं है तो दोस्तों यारों को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके पूर्ण होने के काम कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।